हेलो फ्रेंड्स, आज 30 तारीख है तो अभी सुबह के 7 बजे हैं, देख सकते हैं। तो आज मेरा प्रोग्राम ये है कि हम चलते हैं गंगा जी का बाढ़ देखने के लिए ना। पिछली बार प्लान बनाया था तो यार दोस्तों की वजह से कैंसिल हो गया था और बारिश भी हो रही थी, लेकिन आज हमें जाना है पक्का एकदम। तो अभी चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसके बाद फिर नहा खाकर निकलते हैं। और दीदिया जो है कि सुबह सुबह पपीता खा रही है, ठीक है। इसके अलावा माई ने पपीता छिला हुआ तो वही खा रही है, तो माई गई पानी लेने के लिए। और टंटू फिलहाल में है नहीं और खुशी चली गई है स्कूल। वो देख सकते हैं टंटू जो एक जहाज लिया हुआ है, कल ही इसकी दीदिया ने इसको दिया था तो अगर कल ही से लेकर इसको खेल रहा है। क्या है बच्ची वो? हाँ, तो नाम क्या है उसका? पानी में का जहाज है कि हवा में का जहाज है? अरे हवा में कहाँ पानी रहला, ये तो हवा में का जहाज है ना। हाँ, वो टंटू चला गया घर, अब हम चलते हैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इस समय फ़िलहाल में 9:10 हो रहा है, ठीक है। तो अभी आज मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि सुबह सुबह ही निकलना है क्योंकि दोपहर जाएगा तो बहुत सारा धूप जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नहाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया, अब चलते हैं खाना खाते हैं। तो आज मेरे घर दाल चावल और रोटी बना हुआ है, ये देख सकते हो रोटी है, दाल और भात। तो मस्त अपना खाते पीते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं गंगा जी का बाढ़ देखने के लिए। फ्रेंड्स, मस्त अपना खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं कपड़ा पहनते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। मैं तैयार हो चुका हूँ, अब पारी है निकलने की, तो चलते हैं गंगा जी का बाढ़ देखने के लिए। हाँ, गंगा जी का बाढ़ देखने के लिए हम गंगा जी घाट पर नहीं जाएंगे, मतलब जो अस्सी घाट है शमशान घाट वहाँ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे राजघाट पुल पर। वो अंग्रेजों के ज़माने का पुल है ना, उसी पर चलेंगे जिस पर ऊपर से गाड़ियाँ जाती हैं, नीचे से ट्रेन जाता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आप लोग भी चलकर देख लीजिएगा कि अंग्रेजों के ज़मानों का पुल अभी जिंदा है। तो मैं अपनी साइकिल नहीं ले रहा हूँ, मेरी साइकिल अभी वहाँ पर है ख़राब स्थिति में, तो मैं अभी छुटकी दीदा की साइकिल लिया हूँ, साइकिल लिया। चलते हैं जल्दी से, यहाँ से करीब करीब मान लीजिए 15 किलोमीटर है, तो चला जाए जल्दी जल्दी। तो फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं, मतलब वहाँ नहीं पहुँचे, रास्ते में देखिए नदी देख चुके हैं, बलुआ नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, ये भी काफ़ी दूर तक एकदम डूबा डूबा हुआ है। मैं आपको दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं एकदम पूरा डूबा डूबा है, एकदम पूरा पूरा दिल डूबा हुआ है, देख सकते हैं। और ये जो सड़क देख रहे हैं ना, यहाँ से आगे तक गई है, और जो ये लाइट लगी हुई है ना, यहाँ पर सड़क था, मतलब रोड गई हुई है, लेकिन यहाँ सड़क सब सब डूबा हुआ है। तो आइए चलते हैं नीचे, हम वहाँ पर वहाँ से बात देख लेते हैं। फाइनली दोस्तों, तो हम नीचे पहुँच चुके हैं, नीचे जो है किधर अच्छा खासा देख सकते हैं, इधर नाव भी चल रही है, आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं नीचे से काफ़ी विशाल लग रहा है, यार देखिए इधर नाव चल रही है। और ये रास्ता रास्ता जिससे वहाँ तक जाता है, और बाकी नदी जो है कि बीच में है, सड़े बीच में नदी है। तो फ्रेंड्स, ये थी बड़ुआ नदी, गंगा की सहायक नदी है। तो आइए चलते हैं गंगा जी देखने के लिए राजघाट पुल से, वो तो अभी विशाल दिखाई देगी। बस दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं, बस अब थोड़ा ही दूर रह गया है। फाइनली दोस्तों, तो जो अंग्रेजी के जवानों का पुल था ना, राजघाट पुल, हम सब पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं। ये बात गंगा जी का है, एकदम विशाल लग रहा है देखने में। आइए आपको हम दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं कितना विशाल लग रहा है देखने, चारों तरफ सब डूबा डूबा है एकदम। जो बिजली वाला खंभा है ना, इधर देख सकते हैं, इधर थोड़ा सा बिजली बचा हुआ है, थोड़ा सा और पानी बढ़ेगा तो डूब जाएगा। और ये देख सकते हैं, ये घाट है। भाई चलते हैं आगे, आगे थोड़ा सा देखते हैं, आगे थोड़ा सा अच्छा व्यू दिखेगा ना, थोड़ा देखिए थोड़ा यहाँ पीछे जो नज़ारा है ना, भी देखना है। इसके अलावा जिस पुल पर हम खड़े हैं ना, अभी नीचे ट्रेन जा रही है, तभी हिल रही है, कंपन कर रहा है, कई सारा गिर न जाए। फाइनली दोस्तों, तो हम पूरा एकदम पुल के बीच में आ चुके हैं, और नीचे नज़ारा से कितना मज़ा आ रहा है देखने में, अरे आपको भी दिखा देते हैं, एकदम गजब लग रहा है, ऐसा लग रहा है एकदम पुल ही जो है गिर रहा है पानी की वजह से। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, ये देख सकते हैं यार, ऐसा लग रहा है एकदम पानी यहाँ पर लहर है, शायद इसकी वजह से पूरी नींद से गिर रहा है, यार गजब लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं एकदम बीच से नज़ारा, ये खूबसूरत नज़ारा एकदम दिख रहा है, मज़ा आ रहा है देखने में, आप लोग भी आ सकते हैं। ये महादेव घाट है, ये मतलब कि हाथ ही दिखाई दे रहा है,
नदी यहीं का है, बाकी है तो फिर घाट सब है। तब तो हमको आ गया है, नावें जो है कि रोकी गई हैं, उसको रस्सी बांध कर रोका गया है और कोई भी नावें दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ है केवल पानी याद अगर तो पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुल को नहीं गिरा दिया, डर लग रहा है बोर्ड से। तो फ्रेंड्स इस पास से हम लोगों ने बात देख लिया है, तो अब चलते हैं उस साइड देख लेते हैं। अरे यार दोस्तों इस बात से तो और भी खूबसूरत लग रहा है, आइए आपको दिखाते हैं एकदम विशाल नज़ारा। तो ये आप देख सकते हैं एकदम काफ़ी खूबसूरत नज़ारा, और ऐसे भी आसपास जगह है सारा इसका डूब चुका है, इधर देख सकते हैं एकदम। बाकी 80 घाट का इस साइड है, यहाँ पर जूम नहीं हो पा रहा, इधर देख सकते हैं एकदम पानी बहुत तेज़ी से जा रहा है, एकदम बहुत खूबसूरत लग रहा है यार। क्या विशाल में नाव लेकर चला जाए तो कितना मज़ा आ जाए। फ्रेंड्स हमने ये देख लिया राजापुर से गंगा का नज़ारा, फिर अब चलते हैं घर की तरफ और देख लीजिए एक बार फिर से, अब देखने को नहीं मिलेगा तो चला जाए घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पर पुलिस जो है कि आ रही है बराबर इस मतलब सड़क पर, ज़्यादातर लोग इस सड़क पर खड़े ना हो ना, इसलिए बराबर पुलिस मॉनिटर कर रही है, तो हमको भी चलना होगा घर। अब सोच रहे थे कि मतलब घर जाने से पहले थोड़ा सा नीचे से भी देख लिया जाए, तो नीचे से काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, या आपको दिखा देते हैं, मस्त लग रहा है यार देखने में। आप लोग भी जरूर से आइएगा टाइम मिले तो। पहले आप लोग राजघाट का पुल देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैं करीब यहाँ से खड़ा होकर फ़ोटो खींच रहा था, बाकी इस पर से ट्रेन जाती है, यह देख सकते हैं चारों तरफ जो है बस पानी पानी दिखाई दे रही है, बाकी सब नावें जो है कि बांध कर रखी गई है एकदम। अभी फ्रेंड्स हम लोग इस साइड देख चुके, अब चले हैं आगे वाले साइड से देखते हैं, रास्ता भूख लगी है तो आगे रास्ता आइसक्रीम वगैरह खाते साथ में जो है कि देखते हैं। तो आइसक्रीम खाते खाते देखा जाए इस साइड का थोड़ा बहुत, इसके बाद चला जाएगा घर। उस साइड हम लोग नहीं जाने दे रहा क्योंकि पानी बहुत सारा बढ़ गया है, उसके बाद पुल का आप दिखाई देते हैं, हम लोग वहाँ से जो फोटो खींचते थे, दिखा दें आपको, ये देख सकते हैं यहीं से खड़ा होकर हम जो फोटो खींच रहे थे और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, काफ़ी ऊंचा पुल है। तो फिर सब चलते हैं घर, क्योंकि उस साइड हमको जाने ही नहीं दे रहा है, बाकी सब हमने यहाँ वहाँ घूम लिया है तो चला जाए घर। फ्रेंड्स अब हम चल रहे हैं घर काफ़ी तेज़ी से, और इधर काफ़ी तब चढ़ाने तो चढ़ाने में काफ़ी परेशानी हो रही है, ये देख सकते हैं एकदम पुल की तरह बना हुआ है। अभी तो हमें तो नहीं लगता है कि हमें चढ़ कर हम चल पाएंगे, इसलिए हम पैदल ही चलते हैं। पानी दोस्तों तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, चढ़ने में हमारा हालत ख़राब हो गई, तो अब चलते हैं घर की तरफ। ये देख सकते हैं जो खड़ा हुआ है ना खम्भा, तेरे पता नहीं क्या है, हमें तो पता ही नहीं, आप लोग बताओ तो रूज के मेरे को बताइए। बारिश भी होने लगी है काल तो बोल, तो फ्रेंड्स पानी अब पता क्या है। फाइनली दोस्तों तो हम अपने कॉलेज जीपी कॉलेज पर पहुँच चुके हैं, और मुझे कापी और किताब लेना है, छुट्टी भैया के लिए कापी लेना है, मुझे किताब लेना है, तो जल्दी मैं इसी दुकान से लेता हूँ कापी किताब। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं विद्यार्थी पुस्तक भंडार, जनरली मैं तो यहीं से काफ़ी किताब लेता हूँ, आप लोग भी चाहिए तो आप लोग भी आकर ले सकते हैं यहाँ से, काफ़ी अच्छे दामों में मिल जाता है। फाइनली दोस्तों तो मैंने एक कापी लिया हुआ है और एक किताब लिया हुआ है, ठीक है तो चलते हैं घर, कुछ था बहुत तेज़ी से भूख लगा है तो रास्ते में हो तो कुछ खा पी लेंगे। फ्रेंड्स हम केले की दुकान पहुँच चुके हैं, तो केला ही लेकर आते, केला ले लिया देख सकते हैं आधा दर्जन लिया, तो फर्स्ट क्लास भी खाते हैं, उसके बाद चलते हैं घर, केला वाला खा लिया है, अब चलते हैं घर की तरफ। फाइनली दोस्तों तो मैं घर पर पहुंच चुका हूं, एकदम देख सकते हैं पूरा पसीना एकदम बह चुका है, ठीक है अभी एकदम काफ़ी थक गया हूं, तो अभी मैं फर्स्ट क्लास जाऊँगा प्लेस होऊंगा, जिसके बाद वीडियो एडिट करूंगा, ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग कमेंट पर बताइए कि आप लोगों को गंगा का जो बाढ़ था वो कैसा लगा।